नमस्कार दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा की शक्ति देखना चाहते हैं तो आप इस गुप्त तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर देखेंगे इसके चमत्कारिक लाभ। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे नई नई जानकारियां बराबर आपको मिलती रहें और आप अधिक से अधिक जानकारियों का लाभ भी लेते रहें। दोस्तों सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ज़्यादातर, पर लेकिन हनुमान चालीसा का पढ़ने का जो सही तरीका है और कैसे आप उसके चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो एक अपने अंदर एक संकल्प, एक लक्ष्य लेकर के और उस हनुमान चालीसा को पढ़ें। तो जब भी आप पवित्र अवस्था में आकर के और किसी भी दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए दिन आप एक ही निश्चित करें, लेकिन सबसे शुभ दिन तो मंगलवार ही होता है। पर अगर आप कोई विपत्ति या परेशानी या संकट में फंसे हुए हैं तो ऐसे समय में आपको नहीं देखना कि कौन सा दिन है, उस शुभ दिन से ही आप स्टार्ट करते हैं और अपने अंदर एक संकल्प पैदा करें कि हमको इस प्रकार से 11 दिन या आपको 21 दिन हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है पूर्ण मन से, पूर्ण एकाग्र मन से। अपने अंदर एक संकल्प जब आप पैदा कर लेंगे तो उसका फल भी आपको बहुत अचूक मिलेगा। तो बताते हैं आपको गुप्त तरीका कि किस विधि से आपको करना है। तो दोस्तों सुबह नहा धोकर के पवित्र अवस्था में आकर के अपने अंदर एक विश्वास, एक संकल्प और एक ऐसा लक्ष्य पैदा करें कि हमको करीब 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना है। तो आपको सबसे पहले चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा करके उस पर धूप दीप जला करके हनुमान जी का चित्र सामने लगाएं और पूर्ण मन से, साथ में आप चौकी पर जो भी आपके सामने फूल हैं या पानी का लोटा है उसे भी रखें विधिवत। तो उस तरीके से अपने अंदर एक साहस पैदा करें, संकल्प पैदा करें कि हमको 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर दोस्तों आप उसमें गाय का घी का दीपक ज़रूर जलाएं। गाय का घी का दीपक सर्वोत्तम होता है हनुमान पूजा के लिए। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर विशेष परेशानियों में हैं तब। विशेष संकट समस्याओं से निकालने के लिए तिल का प्रयोग किया जाता है, तिल के तेल का। तो तिल का तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं और पूर्ण भाव से हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करें। लेकिन दोस्तों आपको नियमित करना है 11 दिनों तक। कैसी भी संकट समस्या हो वो आपकी हल हो जाती है और कोई भी विपत्ति नाम की चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे ही प्रतिदिन पाठ करते हैं तो दूसरे दिन भी 10 बजे ही स्टार्ट करें। टाइम का इसका ध्यान रखें क्योंकि इसका जो नियम है वो यही है कि आप नियमित उसको नियम के अनुसार ही करेंगे तो आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। तो कैसी भी संकट या विपत्ति आपके सामने आ गई है तो सभी प्रकार की विपत्ति का नाश करने वाली इस हनुमान चालीसा के पाठ से आपके अनेकों बिगड़े कार्य हैं वो बनेंगे, जिस काम में रुकावट है वो आपके पूर्ण होंगे और किसी भी प्रकार की समस्या है, संकट है, कोई उलझन है तो वो भी सभी ऐसी समस्याएं दूर होकर के आप पर हनुमान जी की कृपा होने लगती है नियमित पाठ करने से। तो आप इस गुप्त तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो दोस्तों आपको चमत्कार लाभ मिलेंगे, विशेष हनुमान जी की आप पर कृपा होगी जो कि हमेशा आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।